अब देखो यहाँ पर साल 2020 का मार्च महीना आ चुका है। अब कल से आप लोग की अप्रैल की मंथ शुरू हो जाएगी जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे मामले पर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के वीडियो क्यों नहीं बनाया जाए, क्योंकि ये अपने बिहार राज्य की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और ये बात आप और हम तो जानते ही हैं। अगर आप पटना के आसपास रहते हो तो आप तो जरूर जानते होंगे पटना और नालंदा वाले जिला वाले लोग कि यहाँ पर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी आपके लिए क्या मायने रखती है। दोस्तों आप लोग माने या ना मानो या फिर आप लोग हमको सपोर्ट भी ना करो, लेकिन दोस्तों मैं तो ये मानता हूँ कि जो आपकी पटना है उसकी एक ही स्टूडेंट की एक ही जान प्राण है, वो है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। क्योंकि यही सिर्फ एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो आपको कम परसेंटेज में भी एक अच्छी सी कॉलेज देने की दाव रखती है, और ये बात आप लोग मानते ही होंगे। तो दोस्तों आपके मन में अब जरूर सवाल उठे होंगे कि सर बताइए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में 2020 में हम एडमिशन कैसे ले सकते हैं, इसका कट ऑफ क्या रहता है, इसमें हम जाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, और इसके अंदर जो टॉप कॉलेज है वो कौन कौन है। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हे गाइस, मेरा नाम सुकुमार झा है। अगर आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं अभी कर लो, क्योंकि मैं आपको ऐसी ऐसी अपडेट हर समय देता रहता हूं। आइए दोस्तों बात करते हैं। तो दोस्तों मैं तो ये चाहता हूँ कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की शुरुआत करने से पहले इनके थोड़ा आप लोग हिस्ट्री भी जान जाइए। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का स्थापना उस समय किया गया था जब मगध यूनिवर्सिटी के कंधों पर से भार बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब लोगों को लग रहा था कि मगध यूनिवर्सिटी कभी नहीं ठीक होने वाला है। जहां मगध यूनिवर्सिटी लेट एग्जाम लेती थी, लेट फॉर्म भरवाती थी, यहां तक कि लेट एडमिशन भी देती थी, और सभी के सभी कॉलेज का भविष्य अंधकार में चला गया था। लग रहा था पटना की शिक्षा बहुत ही खराब होगी। उसी समय एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, क्यों न मगध यूनिवर्सिटी के कंधे से एक छोटी सी भार हटा दिया जाए, जिसका नाम है पाज। आपके सामने खड़ा है ये ब्रांड, इसका नाम है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। अब ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो कि अपने पूरे पटना राज्य को एंड साथ ही साथ अपने नालंदा जिला को भी काफ़ी ज़्यादा संभाल के रखा, जिसकी स्थापना 2018 में की गई थी। दोस्तों आज हम बात करते हैं इसी के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं इसके अंदर टॉप कॉलेज कौन कौन है। दोस्तों इसके अंदर टॉप कॉलेज आते हैं तीन कॉलेज, जिसका नाम है, पहला नाम है एएन कॉलेज, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आप लोग को एएन कॉलेज सिंपल देखनी है कि एएन कॉलेज में क्या है कैसे है, तो आप जाकर देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। नंबर टू पर आती है कॉलेज ऑफ कॉमर्स। दोस्तों ये भी कॉलेज काफ़ी ज़्यादा नामी गामी है। अगर आपको इसके बारे में जानना डिटेल्स, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दी है, आप जाकर देख सकते हैं, मैं इसका लिंक दे दूंगा। और नंबर तीन पर आती है महिलाओं की स्पेशल कॉलेज, का नाम है जेडी वुमेन्स कॉलेज। ये तीन कॉलेज काफ़ी अच्छी इसमें निकल के आती है, कॉलेज ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा नामी ग्रामी और काफी फेमस है। दोस्तों इसके अलावा इसमें और भी ढेर सारे कॉलेज आते हैं। अगर आप नीचे कमेंट करते हो तो मैं एक कॉलेज के ऊपर में एक स्पेशल वीडियो बना के दे दूंगा कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कॉलेज सबसे बेस्ट आते हैं। फिलहाल दोस्तों हम आगे बात करते हैं इसमें आप प्रवेश कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा इसकी नहीं होती है, वनली सिर्फ इसमें होती है वोकेशनल कोर्सों की। वहीं कुछ कोर्स और ऐसे हैं जैसे करने के अर्थ है MBA और MCA, इसमें आपको इंटरव्यू के तहत भी आपकी ली जाएगी। और मैं दोस्तों बता इसमें कौन कौन से कोर्स हम बिना एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। तो उसमें दोस्तों BA आती है, BSc आती है, BA ऑनर्स आती है, BSc ऑनर्स आती है, और BCom ऑनर्स आती है। वहीं दोस्तों आप यहां से PG कोर्स में MA, MSc, MCom कर सकते हो, MDA। वहीं अगर आप चाहते हो एंट्रेंस एग्जाम देकर जाना, तो इसमें कुछ कुछ वोकेशनल कोर्स जैसे कि BCA हो गया, BBA हो गया, ब्लीस हो गया, मिलीस हो गया, MBA हो गया, MCA हो गया, तो ये कुछ कोर्स ऐसे हैं जिसके अंदर में आपको एंट्रेंस एग्जाम देकर जानी पड़ेगी। इसकी हर साल जो आती है PDF प्रोस्पेक्टस की, तो वो आप देख के इसमें पता कर सकते हो इसमें कौन कौन से कोर्स में एग्जाम होती है और वहीं कौन कौन से कोर्स में नहीं होती है। सबसे पहले हम जानते हैं इसमें एडमिशन लेने के स्टेप के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों जब इसकी फॉर्म डेट निकलेगी तो आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की ऑफिस वेबसाइट पर आ जानी है। उसके बाद दोस्तों आप जब नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगी फिल UG एंड PG रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जी डिग्री पार्ट वन एडमिशन फॉर्म पर। जब आप वहाँ जाओगे तो वहाँ आपको यहाँ पर लिखा होगा अप्लीकेंट लॉगिन एंड कॉलेज लॉगिन, उसके PG पार्ट वन एडमिशन फॉर्म पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ आने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ काम करनी पड़ेगी, जैसे कहने का अर्थ आपके पास 12th का रोल नंबर चाहिए, 12th का रोल कोड चाहिए, जितनी भी 12th की पूरी डाटा आप वहाँ से ले सकते हो। ये पूरी की डाटा लेने के बाद में दोस्तों आपके पास एक फ़ोटो और एक सिग्नेचर भी चाहिए। जब वो भी दोस्तों आपके पास हो जाएगी तो आप यहाँ आकर, तो फ्रेंड्स तब जाकर जाओगे इसमें एडमिशन वाले में और वहाँ सेक्शन में अपनी पूरी की पूरी डिटेल्स भरोगे, और फॉर्म भरने के बाद में आप कॉलेज चुने के आएगा, वो कॉलेज दोस्तों आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। जब आप कॉलेज भी अप्लाई कर दोगे तो फिर आपको दोस्तों थोड़ा दिन वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद में इसकी बाद में जो एंट्रेंस एग्जाम जो देने वाले वोकेशनल कोर्स के हैं उनके एंट्रेंस एग्जाम की एडमिट कार्ड आएगी। वहीं दोस्तों जो एडमिशन लेने वाले हैं उन जो कॉलेज चुने हैं उसी कॉलेज को लिस्ट और आपके 12th के नंबर को देखकर आपको एक अलॉटमेंट लेटर दिया जाएगा। उसी अलॉटमेंट लेटर के तहत में आपकी दोस्तों एडमिशन होगी। वही अलॉटमेंट लेटर ले जाकर अपने स्कूल में जानी है, फिर जो कॉलेज आपको चुने हैं जहां आपको सिलेक्शन हुआ है वहां जानी है और
जाके आपको एडमिशन वहाँ उस कॉलेज में लेनी पड़ेगी। दोस्तों आप सोचो कि सर मुझे कॉलेज पसंद नहीं हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोस्तों उसके नीचे आपको एक रिजेक्शन लिस्ट भी लिख निकली होती है, जाके वहाँ से क्लिक कर आप कॉलेज को भी बदल सकते हो। उसमें थोड़ा और लंबा प्रोसेस है, जब आएगी तो मैं आपको डिटेल से इसके बारे में बता दूंगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेट क्या है इसकी एडमिशन की। वहीं जब पिछले साल दोस्तों जो डेट आई थी वो आपको आई थी यूजीसी रेगुलर कोर्स की मई महीना में, ठीक है। लेकिन उम्मीद है दोस्तों इस बार थोड़ी बहुत लेट होगी, क्योंकि सब पता ही आपको कि कोरोना वायरस का कहर है, हो सकता है थोड़ी बहुत लेट है, लेकिन इस बार भी दोस्तों मई के सेकेंड वीक या फर्स्ट वीक तक आपकी एडमिशन की डेट इसमें आ जाएगी। वहीं दोस्तों जो एग्जाम देने वाले, जैसे कि आपको यूजी कोर्स में आती है वोकेशनल कोर्स और वहीं पीजी कोर्स में आती है वोकेशनल एंड रेगुलर दोनों कोर्स, उन लोगों के लिए दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम भी होती है। इसे थोड़ा उनका लेट से आया था, उनका पिछले साल दोस्तों आया था 11 जून तारीख को। वहीं उनकी एग्जाम दोस्तों यहां दे सकते हैं ली गई थी यूजी वोकेशनल कोर्स की 5 जुलाई को, पीजी सीईटी वोकेशनल कोर्स की पीजी कोर्स के वोकेशनल के लिए 5 जुलाई को। वहीं दोस्तों पीजी सीईटी में जो रेगुलर कोर्स होती है एमए एमसी एमकॉम उनकी 6 जुलाई को ली गई थी एंट्रेंस एग्जाम, और वही पीजी सीईटी फॉर एमएड के लिए गई थी 6 तारीख को। तो आप इससे अंदाज ला सकते हैं कि इस बार दोस्तों जो आपको यूजी वोकेशनल वाले हैं और पीजी रेगुलर एंड दोस्तों पीजी रेगुलर एंड यहां पर यूजी जो वोकेशनल वाले उन सब का परीक्षा और ये सब होगी जून के महीने में, जुलाई जुलाई तक उनकी एडमिशन होगी। वहीं दोस्तों बता दूं कि 21 और 22 जुलाई को इसी के आसपास उनकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट बीकॉम, ये आपको ये यूजी कोर्स है और ये आती है रेगुलर के अंदर में, उसकी मई में फॉर्म आई थी और जून तक उनका एडमिशन होना स्टार्ट हो गया था। वहीं दोस्तों यहाँ पर एक दो कोर्स और आती है। दोस्तों हम थोड़ा बात करते हैं फी के बारे में, तो सुनिए आपको फॉर्म भरने में जो पैसा लगने वाला है, जनरल को लगने वाला है दोस्तों 750 रुपया, वहीं एससी एसटी को इसमें फॉर्म भरने में दोस्तों 400 रुपया लगता है। अगर आप लेट करते हो तो आपकी लेट फाइन में दोस्तों यहाँ पर 100 रुपया लगती है। और दोस्तों बता दो इसमें भी हर कॉलेज की तरह इसमें भी दोस्तों कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो होती ही है, तो इसमें भी है। अगर आप चाहते हैं यहाँ से यूजी वोकेशनल कोर्स करना तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको 12th पास होना इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों 12th में अगर 45% से कम नंबर है तो आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते हैं। कम से कम दोस्तों 12th में 45% आपकी एटलीस्ट होनी चाहिए प्लस टू वाले सब्जेक्ट में। वहीं दोस्तों वहीं जो चाहते हैं यहाँ से एडमिशन लेना ये पीजी रेगुलर एंड ट्रेडिशनल कोर्स में, उन्हें कम से कम दोस्तों बैचलर डिग्री में 45% उनका भी होनी चाहिए, किसी भी एक ऑनर सब्जेक्ट को लेकर चले तो उनका 45% होनी चाहिए। वहीं दोस्तों यहाँ पर बैचलर डिग्री विथ 55% ऐसा 55% कुल अगर होता है तो ठीक है, 55% से कम है तो आपके यहाँ पर एडमिशन नहीं होगी। मतलब 45% ऑनर्स को मिलाकर और आपकी सब्सिडी अगर मिला दिया जाए तो 55% कम से कम होनी चाहिए, तभी यहाँ पर आप दोस्तों आपकी एडमिशन हो पाएगी। वही दोस्तों आप चाहते हैं यहाँ से पीजी वोकेशनल कोर्स करना तो फ्रेंड्स आपको यहाँ से जो भी एमसीए करो या फिर एमएससी करो या फिर कोई भी दोस्तों कोर्स करो तो उसमें दोस्तों 45% आपको आगे जो कोर्स आप लिए हुए हैं बीए बीसी क्यों किए हुए इससे पहले उसमें 45% कम नंबर है तो भी आप दोस्तों नहीं कर सकते, 45% से अधिक नंबर होनी चाहिए आपके पास में। फ्रेंड्स अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है कि पिछले साल किस कॉलेज के लिए कितना कितना कटअप गया था, तो फ्रेंड्स इसके लिए बहुत ही बड़ी मेरिट लिस्ट है। अगर आप चाहते हो यहाँ पर किस तरह की मेरिट लिस्ट बना के दीजिए तो मैं बता देता हूँ आपको, सिंपल वेज में समझ जाइए दोस्तों आप कॉलेज के बारे में। तो टॉप कॉलेज में फर्स्ट मेरिट लिस्ट शुरुआत जहाँ से हुई थी वो आपको 80% जिनका भी था उनको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में टॉप कॉलेज में चुन लिया गया था, और सबसे जो मिनिमम कटअप कल जो पिछले साल गई थी वो जिनका ये 48% तक नंबर आया था 12th में उनको भी दोस्तों ले लिया गया था। तो सबसे हाईएस्ट यहाँ पर आपको 80% तक लिया गया था और सबसे लोएस्ट यहाँ 48% लिया गया था। वैसे दोस्तों बता दूँ मैं कि यहाँ पर हर कॉलेज का मतलब सिंपल बता दूँ तो यहाँ पर सब कॉलेज का अलग प्रोसेस निकलता है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग यहाँ पर कमेंट करते हो नीचे तो मैं आपको यहाँ पर कटअप के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना के दूंगा, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो मेरे नीचे, हम बना के मैं दे दूंगा। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से आपको पाटलिपुत्र के बारे में इतनी जानकारी आपके काफ़ी होगी, तो अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानना है या फिर कुछ और पूछना है, जैसे कहने का इसमें हॉस्टल होती है या फिर नहीं होती है, इसमें साल 2020 में क्या बदलाव होने वाले हैं, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आपके मन में जरूर होंगे, तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं या फिर कुछ भी या फिर दोस्तों आपको कुछ भी मुझसे पर्सनल बात करनी या फिर पर्सनल क्वेश्चन करना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी फॉलो कर सकते हैं, इसका आईडी है एजुकेशनल पॉइंट, आपको नीचे उसका लिंक मिल जाएगा। एंड सच दोस्तों हर पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल मुझे फॉलो कर सकते हैं और यहाँ तक कि अब तो फेसबुक भी मैं हूँ, फेसबुक भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको यहाँ पर हर अपडेट में सबसे पहले दूंगा। और दोस्तों जो मैं ये लास्ट में ही बोलूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो देखा है तो आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को पता चले कि हाँ इसमें एडमिशन कैसे होती है। तो बस आज के लिए इतना ही, तब धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।